75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज आयर व्यापार संघ उदयपुर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। इसमें अध्यक्ष मिठालाल प्रजापत ने बताया कि प्रथम बार यह कार्यक्रम हुआ जिसमें आयर व्यापार सारे सदस्यों ने मिलकर यह कार्यक्रम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। व्यापार मंडल के महेश भाव साहब से ये थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। फ्रेंड्स जी, इनका उपनाम बनाकर स्वागत किया जा रहा है। मंडल के जो भी समाज भाव, ठीक है, से निवेदन करूंगा। पितामह पहले मतलब व्यापार मंडल मतलब नाना लाल जी, और नाना लाल जी का मतलब व्यापार मंडल, और अब आपने मिठा लाल जी को तैयार किया। 5 साल से मिठा लाल जी कह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये कार्यक्रम और भव्य हो, क्योंकि हितांशि जी पार्षद हैं और जो भी चाहेंगे व्यवस्था सुविधाएं इस क्षेत्र की और आपके साथ करवाएंगे, और हितांशि जी कहेंगे तो हम भी कुछ कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम और अच्छा हो। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। परिवार से जाने जाते हैं, इनकी अटक भी लखपति से और वैसे भी हैं। अब लखपति ले रहे, अब करोड़पति हो गए हैं। अगर उस गुजरी हुई पीढ़ी के पर को जिस हिसाब से उन्होंने हमें आजादी दिलाई और जो योगदान दिया, हमारी ऐसी नस्ल शायद घरों में सो रही थी और वो लोग सीने पर गोलियां खा रहे। उस गोलियां के एवज में उनकी प्राणों की आहुति दी गई, और 15 अगस्त 1947 को देश पूरी तरह से आजाद हुआ। और इस प्रकार की आज़ादी जो इस भारत वर्ष में है, या मौसम को आज़ादी है कि गर्मी के साथ बारिश आ जाए, छोटी तक का जोर लगाकर देश के गोरी चमड़ी को निकाला, मगर आज हमें सच्ची आज़ादी आदरणीय मिठाला जी भाई साहब, अरे राजनेता बाबू भाई बेटे, इनसे भी कहना चाहूँगा, एक पत्रक लिखे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि आपकी आज़ादी के माध्यम से बहुत कुछ हमें मिला है, मगर शिक्षा में आज भी हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। इस शिक्षा के लिए आप पूर्ण जोर प्रयास करें कि मेरा देश का हर बच्चा आगे बढ़ाना है, लाल बहादुर शास्त्री बनकर आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आप सभी ने मुझे सुना बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील अंकल, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई तो है ही, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठी हूँ लेकिन काम वाले पीछे खड़े हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने कहीं काम में अभी तक कोई कमी छोड़ी है। आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने आश्वस्त हैं मेरे काम से, मैं जानना चाहूँगी। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आगे भी कोई काम है जो मुझसे छूट रहा है या फिर मेरे ध्यान में नहीं है, तो आप मुझे फ़ोन करके बताएं। और अपने वार्ड 62 की जो बात है, वो मैं हर आदमी पूछता है कि मैडम आप संभालते कैसे हो। मैंने कहा क्यों संभालने की बात ही नहीं, वहाँ पर बोले कि बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं,
मैंने कहा मेरा एक अनोखा वार्ड है जहाँ पर एक तरफ मस्जिद की अजान बजती है तो यहाँ पर एक तरफ मंदिर की घंटियाँ, लेकिन मुझे कभी नहीं सुनाई दिया कि ऐसा कभी हुआ है कि कोई द्वेष भावना है। और ये मेरे वार्ड की हमेशा मैंने हर आदमी से तारीफ करी है, इसलिए मुझे आप लोग अपना परिवार की तरह लगते हैं। और ये कहना चाहूँगी कि देखिए जाति धर्म रूप सब अनेक है, लेकिन अंत में हम सब हैं हिंदुस्तानी, तो हमें ये सब सद्भावना से रहना चाहिए जिस तरह से आप रह रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है इस वार्ड की पार्षद बनने के बाद में, और आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और अंत में यही कहना चाहूँगी, मत पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ये हमारी पहचान है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मेरे भारत माता की जय। आज हमारे आयर व्यापार संघ की तरफ से 17 दिवस का ये प्रथम प्रोग्राम रखा गया आयर शबरी कॉलोनी में, और बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से प्रोग्राम मनाया गया। और इसी तरह हम आगे भी इस प्रोग्राम को मनाते रहे कि हमें सभी व्यापारियों का सहयोग रहा, सभी व्यापारियों ने सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया था और पूरे जोर शोर से प्रोग्राम मनाया गया है। और आगे भी इसी तरह सभी समाज का सहयोग रहेगा और भामाशाह का सहयोग रहेगा, हम इसी तरह धूमधाम से 17 दिवस का प्रोग्राम मनाते रहेंगे। और सभी देश स्वच्छों को इसी तरह से अपने 17 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। जय भारत, जय हिंद। तो है स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरी उदयपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन देश के आज़ाद कराने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए 1857 में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम का बलिदान क्या होगा और हम देश स्वतंत्र करवा पाएंगे नहीं, मगर उन्होंने अपना बलिदान देके आज हमें स्वतंत्र देश में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए हम अपने सच्चे से काम कर सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस देश को विश्व के मानचित्र पर जिस ढंग से इस हिंदुस्तान को ले गए उसके लिए और पूरी देश की जनता को इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।